आज मैं सहजन और आलू की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यह सब्जी टेस्टी तो होती ही है, साथ ही साथ हेल्दी भी बहुत होती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सहजन को अच्छी तरह से छील कर साफ कर लिया है, आलू बॉईल करके उसके भी टुकड़े काट लिए हैं, साथ ही साथ प्याज और टमाटर ये भी काट कर रख लिया है। अब गैस पर कढ़ाई रखेंगे, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल लेंगे, मेथी के कुछ दाने, तेजपत्ता और कटे हुए प्याज डालकर उसे ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब ये ब्राउन हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो इसमें आलू डालेंगे और उसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से भून लेना है। जब आलू अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें सहजन या ड्रम स्टिक्स डाल लेंगे और इसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे। ये सब्जी मैं कम ऑयल में बना रही हूँ, ये काफ़ी हेल्दी है। देखिए सहजन और आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, साथ ही साथ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से सीम आंच पर भूनेंगे। जब मसाले भुन जाएं तो कटे हुए टमाटर भी इसमें ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से भून लेना है। गरम मसाला ऐड करेंगे, साथ ही पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से चारों ओर से चला लेंगे। जैसी ग्रेवी आप चाहती हैं वैसा ही पानी डालिए, अगर कम ग्रेवी चाहती हैं तो कम पानी डालिए। इसे ढककर 5 से 7 मिनट तक कुक करना है। 5 से 7 मिनट के बाद चेक करते हैं। देखिए सब्जी रेडी हो चुकी है। आलू तो पहले ही बॉयल थे इसलिए वो तो कुक हो ही चुके हैं, साथ ही साथ सहजन भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। इसे किसी बाउल में निकाल लेते हैं, सहजन को चेक करके देख लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से सहजन भी कुक हो चुका है। फ्रेंड्स यदि रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट्स करके बताइएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।